छुरी पूरे दिन कमरिया हिलाते हिलाते गुजर जाता है इसका। डैड डैड ये देखो, मॉम का ठुमका वाला डांस फेसबुक पे वायरल हो गया। दिखा जरा इसकी तो मैं देख कैसे मार रही है ठुमका खींच खींच के, पूरे देश में बेइज्जती करवा दी। नाचने वाली बनेगी क्या तेरी अम्मा? क्या दिक्कत है तुम्हें मेरे डांस से है? अरे मैं कहाँ तेरा विरोध कर रहा हूँ, कम से कम खाना पीना तो बना दिया कर टाइम से, फिर पूरे दिन करती रहना ये अपने नाटक। मैंने सब कुछ सुन लिया है, एक तो मेरा डांस देखकर पूरा देश एंजॉय कर रहा है, मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है और तुम्हें जलन हो रही है। नाचने वाला काम पकड़ा है तूने, कुछ ज्ञान देने वाली चीजों पे वीडियो बना लेती तो तेरा ये औलाद और देश भर की औलाद बिगड़ने से बच जाती। ज्ञान होता तो मम्मी स्कूल में मैडम ना होती। तुम जैसी औरतों ने रील्स पर अश्लीलता फैला रखी है। तुम लोग अपनी बकवास अपने पास ही रखो, समझे? खुद तो कुछ किया नहीं लाइफ में, अब मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मैं एक सेलिब्रिटी बन गई हूँ, मुझे आज ये ऑफर आया है कि कल मुझे कब्रिस्तान में जाके डांस करना है। क्या कब्रिस्तान में डांस? पागल है क्या, कब्रिस्तान में कौन डांस देखेगा तेरा? अरे मम्मी ने भूतों को मनोरंजन करने का ठेका ले लिया है। अरे वो सॉरी कब्रिस्तान नहीं, राजस्थान। हाँ राजस्थान से ऑफर आया है, सॉरी मैं भूल गई थी। ऑफर के चक्कर में किसी लोफर के साथ मत भाग जाना, मेरी मान तू यही डीजे बजाकर डांस कर ले, मत पड़ इस दलदल में। एक महान रील्स बनाने वाली यहाँ तुम्हारे सामने नाचेगी, पागल हो क्या? लोग मुझे फोन करके ताने मार रहे हैं कि तुम बीबी लेके आए हो या नाचने वाली कोई नचनिया। कोई नहीं मारता होगा तुझे ताना, बल्कि लोग तो मेरे ठुमके का मजा लेते होंगे, तुम्हें तो कोई पूछता भी नहीं होगा। अरे ऑफिस के सारे बुढ़े मजे लेते हैं तेरे वीडियोस मुझे दिखा दिखा के, चिढ़ाते हैं साले ठरकी। अब बुढ़े मजे ले या लौंडे मजे ले, मैं तो नाचूंगी, तेरे पिछवाड़े में दम है तो रोक ले। ये ना मानेगी, इस नचनिया का तो कुछ दूसरा ही जुगाड़ करना पड़ेगा। बाबा मेरी समस्या का समाधान करो, मेरे संकट हरो। मैं प्राण ही ना हर लूं तेरे, समस्या क्या है ये बता मूर्ख। बाबा मेरी बीबी के ऊपर नाचने वाला भूत सवार है। मैं भूत को पकड़ के बोतल में बंद कर दूंगा, पर 250 रुपए चार्ज कटेगा तेरा। अरे बाबा वो वाला भूत नहीं, मतलब उसे नाचने के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है, पूरे दिन रील्स बना बना के नाचती रहती है। कौन है तेरी लुगाई, दिखा मुझे। कैसे दिखाऊं, मैं लुगाई को जेब में रखकर थोड़ी ना घूम रहा हूं। अबे तेरे फोन में कोई फोटो तो होगा उसका। अरे वो फेसबुक पे ठुमकती हुई वीडियोस बना के डालती है, उसके डांस का वीडियो है, FB पर दिखाता हूँ। अरे वाह मजा खड़ा कर दिया, ये तेरी बीबी है? मेरी बीबी को देख रहा है या डांस के मजे ले रहा है? इसका तो मैं भी फैन हूँ, क्या डांस है, वाह मजा आ गया। अब तुम कुछ समाधान करोगे या नाच देख कर एंजॉय ही करते रहोगे? मैं तेरी बीबी का पुराना फैन हूँ, अगर मैं अपनी मंत्र शक्ति से इसका डांस भुला दूँ तो इसके लाखों करोड़ों फैंस नाराज हो जाएंगे। लेकिन बाबा मेरा क्या होगा, मेरे बारे में तो कुछ सोचो। अगर तू जिद कर रहा है तो तेरी आत्मा की शांति के लिए मैं एक छोटा सा समाधान कर देता हूँ। हाँ कुछ ना कुछ करो, मैं बड़ी आस लेकर आया था, लेकिन आप भी उसके फैन निकले। तो सुन, जब कभी भी ये बीन के लहरों पर नागिन डांस करेगी तो ये सचमुच की नागिन बन जाएगी। जा मैं तेरी बीबी को वरदान देता हूँ। ये कैसा समाधान हुआ, इससे तो मैं ही मुसीबत में पड़ जाऊंगा, मुझे ही डस लिया तो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, एक तो लोगों का मनोरंजन कर रही है बेचारी, ऊपर से तुम इसका विरोध कर रहे हो। ये वरदान वापस ले लो, इससे अच्छा तो वैसे ही ठीक है वो। वरदान वापस नहीं होगा, उल्टा मैं तुझे श्राप दे दूंगा, चला जाए यहाँ से, चल हट पक पक। वैसे इस वरदान का एक फायदा भी है, अगर ये पब्लिक के बीच में नाचते नाचते नागिन बन जाती है तो पब्लिक में उपद्रव मच जाएगा। ए सुन, मैं अपने डांस प्रोग्राम में जा रही हूँ, अगर तेरे पास पैसा है तो निकाल कर दे। मेरे पास 51 भी ना है। तू कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे स्टार बनने से रोक नहीं सकता, सुन लपट्टी। बोलो मॉम क्या आदेश है? अपने बाप का मोबाइल छीन कर बेच दे। ए, मेरे मोबाइल को हाथ मत लगाना, हाथ उखाड़ लूंगा तेरा। बच्चे को धमकाता है, मैं लगाती हूँ हाथ। तूने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर? एक सेलिब्रिटी पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है ये तो देख, अब देख देख तू। अब क्या करेगी तू, अपने बाप को बुलाएगी या अपनी माँ को? बुला ले जिसको भी बुलाना हो। मैं 112 को कॉल करके गाड़ी बुलाती हूँ। सर गिरफ्तार कर लो इसे, ये मेरी कामयाबी के बीच में आ रहा है। वैसे काम क्या करती हो तुम मैडम? आजकल स्टेज पर ठुमका लगाती है ये।
सर आपने पहचाना नहीं, ये आज की मशहूर डांसर हैं, जिनके डांस का दीवाना अपना पूरा स्टाफ है। अच्छा अच्छा वो है ये, इतने विकट डांसर को किसने तकलीफ देने की कोशिश की भाई? ये पुलिस वाले भी इसके फैन, पूरे देश में छा गई है ये तो। इसने सर ये मेरे रास्ते में आ रहा है। चल जेल में डालता हूँ तुझे, तुझे तो उम्र कैद करवा दूंगा मैं। अरे अरे नहीं, मुझ पर कृपा करो सर, अपनी बीबी की कामयाबी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है तू। तक तक साहब जाने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। अंतिम इच्छा मरने वाले की पूरी की जाती है, तू मर नहीं रहा है। लेकिन उम्र कैद तो हो रही है ना, मुझे मरकर भी तुम्हें दोबारा नहीं मिलूंगा और उम्र कैद में भी तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। ठीक है कर दो इसकी इच्छा पूरी। बोल बे काक भुसुंडी की औलाद, क्या इच्छा है तेरी? मैं अंतिम बार नागिन के लहरों पर अपनी बीबी का डांस देखना चाहता हूँ। बजा नागिन का लहरा, इसकी ये इच्छा भी पूरी कर देती हूँ मैं। सर हम भी थोड़ा डांस देख लेते हैं, शरीर को थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। वाह क्या बिकट डांस मारती है ये, पुर्जे पुर्जे मटका देती है भाई। इसीलिए तो सबके दिलों में छाई पड़ी है ये, इसीलिए तो मैंने ये वाली अंतिम इच्छा जाहिर की है। अरे ये क्या, ये कोई चुड़ैल तो नहीं? ये अद्भुत नजारा मैंने भी पहली बार देखा है। डैड मॉम को अचानक क्या हो गया? अरे ये मत सोचो क्या हो गया, यहाँ से भाग लो वरना डस लेगी सबको। अरे लोखंडे जल्दी भाग यहाँ से, हो गई गिरफ्तारी। देखा मेरे दिमाग का कमाल, मुझे पता था ऐसा होगा। कल तो चाल पट्टी मार कर बच गया मैं, आज कहीं पंगा ना हो जाए इससे। अरे कहाँ है केजी बीबी? बीबी से क्या काम है, मुझसे मिल। ये मंत्री जी हैं। मंत्री हैं तो क्या मेरे सर पे चढ़ेगा काम, बता। ये तुम्हारी बीबी के डांस के दीवाने हैं और उनका डांस देखने के लिए स्पेशली आए हैं। अरे ये मेरा घर है, कोई ठेका नहीं, सॉरी कोठा नहीं है। तुम्हें क्या दिक्कत है, अगर कोई भला आदमी मेरा डांस एकांत में देखना चाहता है तो? अगर डांस देख कर मजा आ गया तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बैठिए बैठिए मंत्री जी, अभी पेश करती हूँ गर्मा गर्म डांस। बोलिए कौन से गाने पे देखना चाहते हो? बोलो मंत्री जी, फरमाइश बताओ। मैं बीन के लहरों पर तुझे ठुमकता देखना चाहता हूँ। नहीं मंत्री जी नहीं, ये आप क्या वो तेरे से चुप नहीं बैठा जाता? अरे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। मंत्री जी की इच्छा है जरूर पूरी होगी, लपट्टी लगा दे बीन का लहरा। वाह क्या गजब स्टाइल है, ये तो असली नागिन लग रही है। अभी कहाँ लग रही है, असली नागिन तो अब लगेगी। अरे बचाओ बचाओ मुझे, मुझे सांप चढ़ेरों से बहुत डर लगता है। ए, 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 ये क्या मजाक है, मंत्री जी को सांपों की वजह से पहले भी दो अटैक आ चुके हैं। मैंने तो पहले ही मना किया था, तब तो तेरे पिछवाड़े पे जू ना चली, अब इसको क्या हुआ? ये तो मर चुका है, तीसरा अटैक भी आ गया इसे। अब ये कौन है, ये भी डांस देखने आए क्या, डांस बार बना दिया है घर को। ये मंत्री जी के गार्ड हैं। ये तुमने मंत्री जी के साथ क्या कर दिया? अरे हमने कुछ नहीं किया, ये सांप देखकर अपने आप बेहोश हो गए। किधर है सांप, बता बता किधर है? वो देखो उधर, वहाँ तो एक औरत है, मंत्री जी को तुम सबने मिलके मारा है। और दिखा ले मंत्री जी को नागिन डांस। अरे गर्दन में मत मारो भाई।